हेलो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज मैं आपको बताऊंगा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। अगर आपके घर में भी कोई मोटर है, जैसे फैन या कोई भी सिंगल फेस मोटर होती है, अगर वो ख़राब हो जाए तो आप उसे खुद भी ठीक कर सकते हैं। वो सब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ठीक कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मोटर, ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। तो चलिए अब इसका पहले कनेक्शन डायग्राम बना लेते हैं कि जो वाइंडिंग और आर्मेचर के कनेक्शन हैं वो इस कैपेसिटर के साथ कैसे किए जाते हैं। चलिए अब इसका कनेक्शन डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए हमें दो वाइंडिंग बनाना पड़ेगी। इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। चलिए पहले हम स्टार्टिंग वाइंडिंग बना लेते हैं। ये हो गई आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और अब यहाँ पर बनाएंगे हम रनिंग वाइंडिंग। ये हो गई आपकी रनिंग वाइंडिंग। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, और जो रनिंग वाइंडिंग होती है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, और जो कैपेसिटर होता है उसका एक सिरा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ और दूसरा रनिंग वाइंडिंग के साथ लगा दिया जाता है। ये पहला सिरा इसका, दूसरा सिरा, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के आखिरी दो सिरे हैं और रनिंग वाइंडिंग का आखिरी सिरा, वो दोनों शॉर्ट कर दिए जाते हैं और वहाँ से एक वायर निकलेगी जो लगेगी न्यूट्रल के साथ। और जो फेस वायर होगी, यहाँ पर ध्यान दें, अब जो फेस वायर होगी वो लगेगी अब रनिंग वाइंडिंग के सिरे के साथ। यहाँ पर एक सिरा स्टार्टिंग का भी है पर आपको कनेक्शन करना है रनिंग वाइंडिंग के साथ, जहाँ पर रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर का सीधा जुड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर आपकी फेस वायर लग जाएगी। इस प्रकार से सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का कनेक्शन किया जाता है। अब यह आपकी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसे चला के देखते हैं। और हाँ, अगर इस मोटर का कैपेसिटर चेक करना हो तो उसको सीधे ही सॉकेट में डालें इसके दोनों सिरे, और बस एक दो सेकंड के लिए डालने हैं, फिर उनको आपस में शॉर्ट करिए। अगर स्पार्किंग निकलती है तो मतलब ये कैपेसिटर ठीक है, अगर स्पार्किंग ना हो तो मतलब कैपेसिटर ख़राब है। इसको चेक करने के बाद और कनेक्शन करने के बाद आप इसको सिंगल फेस सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। चलिए इसको हम सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। एक मिनट, इसका MCB ऑन करना पड़ेगा। इसका पहले हम MCB ऑन कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इस MCB को लगाऊं। चलिए अब देख लेते हैं, इस साइड डाल दी। पहले हम MCB ऑन कर लेते हैं। हमने MCB ऑन किया, अब इसको सप्लाई देंगे। देखिए इस प्रकार से सेल्फ इंडक्शन मोटर चल पड़ती है। कनेक्शन करने से पहले आपको इन वाइंडिंग के रेजिस्टेंस चेक कर लेने चाहिए। जैसे ये है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये रही हमारी रनिंग वाइंडिंग।
अब आपको मल्टीमीटर की सहायता से आप इसको ओम पर सेट कर लें। उसके बाद टैटिंग वाइंडिंग के दोनों सिरों पर जब आप इसको लगाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। मान लो यहाँ पर हमने ले लिया 40 ओम। फिर आप उसके बाद रनिंग वाइंडिंग के सिरे के साथ जब लगाओगे तो उसका रेजिस्टेंस इससे कम आएगा। मान लिया इसका रेजिस्टेंस आया 16 ओम। तो इस प्रकार से वाइंडिंग चेक की जाती है कि स्टैटिक वाइंडिंग है या रनिंग वाइंडिंग है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कनेक्शन कैसे किए गए हैं। ये जो आप दो ब्लू कलर की वायर देख रहे हैं, ये तो है रनिंग वाइंडिंग की वायर है, और ये ब्लैक है स्टैटिक वाइंडिंग की वायर है। और कैपेसिटर के दो सिरे हैं, जिसमें एक सिरा ये आपका स्टैटिक वाइंडिंग के साथ जुड़ा गया है और दूसरा रनिंग वाइंडिंग से जुड़ा है। इस प्रकार से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। थैंक यू।